अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, सब खैर खैरियत से हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए सुजुकी स्विफ्ट 2022 का एक शॉर्ट सा रिव्यू लाया हूं। मैं ख़ुद भी इंटरेस्टेड हूं इस गाड़ी को लेने के लिए, तो मैंने सुजुकी के शोरूम विज़िट किया और मैंने फिर जाके उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली। अगर आप लोग भी इसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाह रहे हैं तो आप सुजुकी के अपने रिस्पेक्टिव सिटी के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे जो सुजुकी के शोरूम्स हैं वहाँ पे इसकी इस टाइम जो है वो टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है। तो मैंने जो है वो इसका जो सबसे टॉप एंड वर्जन है जो कि GLX CVT है, टॉप वेरिएंट जो है उसका जो है टेस्ट ड्राइव ली है। और इस आपको पता होगा अगर आप देखें तो इसके अंदर 3 वेरिएंट हैं, एक मैनुअल वेरिएंट है, ठीक है, इसके बाद GL है मतलब वो CVT वर्जन है, ठीक है, इसके बाद टॉप ऑफ द लाइन जो है वेरिएंट है जिसके अंदर इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो दी हुई हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी नीड है। अगर आप चाहते हैं तो आप मैनुअल ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने ऑटोमेटिक पे जाना है तो फिर आप GL वर्जन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बजट इजाज़त देती है, क्योंकि जो टॉप वेरिएंट है इस टाइम जो है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जब लॉन्च की थी तो इसकी प्राइस कम थी, लेकिन दो दफ़ा जो है प्राइस का हाइक आ चुका हुआ है, इस वजह से उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ऑप्शंस वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शंस हैं, तो आप उस वर्जन पे भी जा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है ना अपना ओवरव्यू देता जाऊँ कि जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली है, क्योंकि मैं इससे पहले कल्टस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो कल्टस से तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके अंदर डिफरेंस नज़र आया है, क्योंकि इसकी जो ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसके अलावा जो है इसकी पिक बड़ी बेहतर है, एसी बेहतर है, ठीक है, और अंदर कंफर्टेबल बहुत है। कल्टस की सीट्स जो है और कंफर्टेबल इतना इंसान नहीं होता, लेकिन इसकी ड्राइव, इसकी सीट्स, उसकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ऑप्शंस भी ऑब्वियसली उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्यूल एवरेज में भी कल्टस तो बहुत बेहतर फ्यूल एवरेज देती है, में भी इसकी कल्टस के मुकाबले में वो फ्यूल एवरेज ना हो, लेकिन फिर भी अगर दूसरी कंपैरिजन करें मार्केट के अंदर या रिस सिटी, उसके मुकाबले में मेरे ख्याल से इसकी फ्यूल एवरेज बेहतर ही होगी, क्योंकि ये 1.2 है और न्यू जनरेशन है और इसका जो इंजन जो है वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें।